हम बात करेंगे कजान में, रूस के कजान शहर में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसके दौरान बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। लगभग लगभग 5 साल लग गए इस मुलाकात के होने में, लेकिन जब यह मुलाकात हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक चीन को याद दिला दिया है कि अगर रिश्ते बेहतर होने हैं तो उसके लिए बॉर्डर पर हालात सामान्य होने जरूरी है। भारत और चीन के रिश्तों में यह तारीख ऐतिहासिक हो गई है। रूस का कजान शहर इतिहास में दर्ज हो गया है। रूस की तीसरी राजधानी के नाम से मशहूर कजान हमेशा एक ऐसे शहर के तौर पर याद किया जाएगा जहां भारत और चीन के रिश्तों पर बरसों से जमी बर्फ पिघलना शुरू हुई। ये सब कुछ कहने की वजह मुलाकात, जो जियोपॉलिटिक्स की एक बड़ी घटना है, क्योंकि दो सबसे बड़े आबादी वाले देशों के नेता एक बार फिर मुस्कुराते हुए साथ आ रहे हैं। 5 साल बाद हुई इस द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने जिनपिंग को दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों की अहमियत को याद दिलाते हुए कहा, 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब एक दिन पहले ही भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपनी सेनाओं की ओर से गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देशों के लोगों और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। साल 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर चले गए थे। चीन की इस धोखेबाजी के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सीमा पर शांति को सामान्य रिश्तों से जोड़ते हुए LAC पर चीन के बराबर सेना तैनात कर दी। साल 2020 और 2021 में जिनपिंग से कई मौकों पर पीएम मोदी का आमना सामना हुआ, लेकिन हमने कोई मुलाकात नहीं की। नवंबर 2022 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ओर से G20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में एक दूसरे का अभिवादन किया, हालांकि उस समय द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। ये सिलसिला LAC पर समझौते के बाद ही टूटा। For both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations, it's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries. मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि
कि सीमा से जुड़े विवादों को जल्द सुलझाने में कामयाबी मिलेगी। दोनों ही देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि जो सीमा पर विवाद को लेकर एक नया करार हुआ है कि डेप्सांग और डेमचौक में दोनों ही देश की सेनाएं कुछ एक पहली बात पीछे हटेंगी और दूसरी बात पेट्रोलिंग जो है वो अपने पेट्रोल पॉइंट और क्लेम लाइन तक फिर शुरू होगी, तो इस पर दोनों ने संतोष जताया। सर्वोच्च नेताओं के बाद अब दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्दी बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। गौरव सावंत, कजान, रूस आज तक। सवाल ये उठ रहा है कि 2020 में जो गलवान की झड़प हुई थी उसके बाद से दोनों देशों के बीच टकराव अपने चरम पर रहा। किस तरीके से कोरोना महामारी के बीच भी पूर्वी लद्दाख में चीन की ये चालबाजी दिखी, फिर ऐसा क्या हुआ कि चीन आज भारत से बात करने को तैयार हुआ, वो कौन सी मजबूरियां हैं चीन की जिसके कारण आज उसका रुख नरम नजर आ रहा है। दुनिया इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देख रही है क्योंकि तस्वीर बताती है कि कूटनीति के मैदान में भारत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भले ये तस्वीर 5 बरस के बाद देखने को मिल रही है, लेकिन इसने अपनी विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम चीन को अच्छे से समझा दिया है कि भारत के साथ संबंधों को हल्के में लेना उसके हित के खिलाफ। द्विपक्षीय वार्ता से पहले शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ चहलकदमी करते दिखे, उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। लेकिन सवाल यह है कि चीन को 5 साल बाद भारत से रिश्ते सुधारने की याद क्यों आई? इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए जो दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड की है। इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड यानी एयरपोर्ट पर खड़ा हूं। ये न्यूमा का एडवांस्ड ग्राउंड लैंडिंग एयरबेस है जिसको पिछले कुछ सालों के दौरान इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक दुनिया का कोई भी बड़ा विमान इस ऊंचाई पर लैंड कर सकता है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ेगी जब लद्दाख में LAC के करीब ये एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जो है तैयार हो जाएगा। साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन ने एक तरफ भारत को चौंकाया तो दूसरी तरफ उससे जुड़े खतरे को लेकर भी चेताया। इसके बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों को इस दौरान पुख्ता किया और चीन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। बातचीत के जरिए 21 राउंड की कोर कमांडर लेवल टॉक्स और 31 राउंड की WMCC वार्ताओं के बाद अब एक अग्रीमेंट पर पहुंच गया है भारत और चीन, जहां पर पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। और इस बात की पुष्टि डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी की और उन्होंने कन्फर्म किया कि ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे इसको लेकर और अब भारत और चीन इस बात पर सहमत है कि इन फ्रिक्शन पॉइंट्स से जो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वहां पर पेट्रोलिंग की दोबारा से शुरुआत हो, यानी कि तनाव कम हो सके और इसके बाद डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो। तो दोनों देश अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की ओर आगे बढ़ गए। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी और अब कजान में दोनों देश के मुखिया मिले। चीन पिछले मेरे विचार से 2 साल से ये प्रयास करता रहा है भारत को बताने का, जो आप देखिए वहां पर बॉर्डर पर सिचुएशन स्टेबल है, बॉर्डर पर सिचुएशन नॉर्मल है, हमें बॉर्डर की जो सिचुएशन है उसको एक अलग रखकर अपने और जो संबंध है उनको आगे ले जाना चाहिए। भारत ने कहा जब तक शांति और स्थिरता नहीं बनेगी बॉर्डर पर तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। वहां पर उन्होंने 2017 के बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया, हाँ। वहां पर उस डोकलाम के क्षेत्र में, हाँ। अपने क्षेत्र में, यहां पर पिछले कुछ सालों में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बनाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने दुनिया भर में देश का लोहा मनवाया। एक तरफ शी जिनपिंग थे जिनकी कोविड काल में बहुत आलोचना हुई, दूसरी तरफ पीएम मोदी थे जिन्होंने न सिर्फ भारत में कोविड के खिलाफ मुहिम छेड़ी, इतना ही नहीं कई देशों को मदद तक पहुंचाई। एक चीन था जो गलवान घाटी में कोविड के दौरान साजिशें रच रहा था, दूसरी ओर भारत जो लोगों के जीवन को बचा रहा था। बीते वक्त के साथ शी जिनपिंग की साख पर पट्टा लग रहा था और पीएम मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे थे। कहीं न कहीं इन सब बातों ने जिनपिंग को रिश्तों की गाड़ी दोबारा शुरू करने को मजबूर कर दिया। दोनों देश चाहते हैं कि जो बॉर्डर टेंशन हैं, बॉर्डर क्राइसिस, वो घटे, टेंशन रिड्यूस हों, और जो अग्रीमेंट दोनों ने अनाउंस किया है वो अग्रीमेंट एक छोटा सा स्टेप है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होगा डिसएंगेजमेंट का, उसके बाद फिर डीएस्केलेशन होगा, फिर जो दोनों साइड्स ने बहुत सारे ट्रूप्स लगाए हुए हैं फ्रंटियर पर उनको हटाने के लिए डीइंडक्शन होगा, तो ये लंबा प्रोसेस होगा, कई महीने लगेंगे इसमें। तो एक पॉजिटिव स्टेप है, मगर इसको ब्रेक थ्रू मानना इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि जैसे 2017 में दोकलम में डिसएंगेजमेंट हुआ था, डिसएंगेजमेंट के बाद कुछ हफ्ते के अंदर चीन ने अपनी सेना भेज के डोकलम को कैप्चर कर लिया। तो इस तरह का धोखा जिस तरह से चीन ने दिया 2017 में, उस तरह का धोखा दोबारा ना दे भारत को, तो भारत हैज टू बी वेरी विजिलेंट। अगर चीन के नरम पड़ने के पीछे 5 कारणों को देखें, तो उसमें पहले नंबर पर धीमी बढ़ती विकास दर है, डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे का डर है जिसमें वो चीन के माल पर 60% टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो चीन में पहले से ही बढ़ रही बेरोजगारी बेकाबू हो सकती है। इसके अलावा जिनपिंग की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले युआन को दुनिया स्वीकार नहीं कर सकी है। वहीं दक्षिण चीन सागर में रोजाना पड़ोसियों से होने वाली झड़प से उसके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। ये वो वजह है जिसने चीन को भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर कर दिया। LSE से सेना को पीछे हटाने का उसे आदेश देना पड़ा। चीन LSE पर शांति बहाली के लिए भारत से बात तो कर रहा है, मगर वो चीन है जिसकी फितरत में धोखेबाजी है, इसीलिए भारत को सतर्क रहना ही होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज तो इंस्टेंट कॉफी की तरह होती है, वो जी डिसएंगेजमेंट का आ गया, बटन दब गया, अब कॉफी तैयार है। भाई डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, अब उसको होने में जमीन पे थोड़ा सा समय लगेगा। पर ये सोचना कि जी एकदम से सब कुछ हो जाएगा, वो उस भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए। चीन लगातार चालाकी दिखाता रहा है, मगर भारत की चतुराई के आगे मुंह की खाता रहा है। एक बार फिर से चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ये बताता है कि चीन को मालूम है कि भारत के साथ रिश्तों को खराब रखना खुद उसके हित में नहीं है। कजान में गौरव सावंत के साथ शिवानी शर्मा, पूर्वी लद्दाख, आज तक।